हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो कि ये रिलेटेड है एसेंशियल अमीनो एसिड से, ठीक है। तो मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम जो है एसेंशियल अमीनो एसिड को रिमेंबर कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आने वाली वीडियोस में आपको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड या पोलर अमीनो एसिड, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के लिए भी जो ट्रिक है वो लेके आपके लिए आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, जो अमीनो एसिड से दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये एक दूसरे से जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड देन दे मेक अ लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इज आल्सो नोन एज प्रोटीन्स, ओके। तो जैसा कि पता है, इस अमीनो एसिड को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है, चाहे वो एसेंशियल अमीनो एसिड हो, चाहे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो, चाहे वो पोलर अमीनो एसिड हो या नॉन पोलर अमीनो एसिड हो। तो आज हम अपनी इस ट्रिक में देखेंगे कि हाउ कैन वी रिमेंबर द एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा और उस सेंटेंस को अगर आपने रिमाइंड कर लिया या रिमेंबर कर लिया तो आप जो हैं जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड है उन्हें आप इजीली जो हैं वो याद कर सकेंगे। क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में क्या होता है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि विच वन आउट ऑफ दीज फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल अमीनो एसिड। तो वहाँ पर अगर आपने ये ट्रिक का यूज़ किया तो आप इजीली जो है जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसे इजीली आप जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको लाइन क्या याद रखनी है? आपको लाइन याद रखनी है आई लाइक द वैन मच एंड पोस्ट दैट लाइक होंडा सिटी, ठीक है। तो लाइन क्या है? लाइन है आई लाइक द वैन मच एंड पोस्ट दैट लाइक होंडा सिटी। तो आपको जस्ट ये सिंपल सी जो लाइन है या सेंटेंस है उसे आपको लर्न करना है, और अगर आपने सेंटेंस लर्न कर लिया तो आप जो है एसेंशियल अमीनो एसिड को इजिली रिमेंबर कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको लेना है। तो सबसे पहले आई में सिर्फ एक ही लेटर है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया आइसोल्यूसिन, क्लियर। अब दूसरा आपका एल है, तो एल में से आपका पहला लेटर आपको लेना है, इस वर्ड से लाइक से आपको पहला लेटर लेना है, तो ये आपका हो गया ल्यूसिन, क्लियर। अब आपको दा में से पहला लेटर लेना है, तो ये आपका हो गया थ्रियोनिन। नेक्स्ट वैन से आपको फर्स्ट लेटर लेना है वी, तो ये आपका हो गया वैलिन। मच से आपको एम लेना है फर्स्ट लेटर, ये आपका हो गया मिथियोनिन, क्लियर। नेक्स्ट एंड से आपको ए लेना है, तो ये आपका हो जाएगा अर्जिनिन। पी से आप पोस्ट में से आपको पी लेना है, और ये आपका क्या हो गया फिनाइल एलानिन, क्लियर। अब डैट से आपको टी लेना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। लाइक से आपको एल लेना है पहला लेटर, तो आपका क्या हो जाएगा लाइसिन। और होंडा सिटी से आपको एच लेना है, तो ये आपका हो गया हिस्टिडीन, ठीक है। तो देखिए कितनी इजी ट्रिक थी, आपको क्या याद करना है, बस एक सेंटेंस आपको याद रखना है आई लाइक द वैन मच एंड पोस्ट दैट लाइक होंडा सिटी, पर इतना आपको जो है ये सेंटेंस को आपको लर्न करना है। और उसके बाद देखिए हर लेटर का, हर वर्ड का आपको फर्स्ट अल्फाबेट लेना है, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट लेटर लेना है हर वर्ड का। आई एक ही लेटर है, एक ही वर्ड है, तो एक ही लेटर है इसमें आई। लाइक जो वर्ड है उसमें एल हो गया, द में टी हो गया, वैन में वी हो गया, मच में एम, एंड में ए, पोस्ट में पी, दैट में टी, लाइक में एल और होंडा सिटी में एच, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड है, आप बहुत इजीली देख सकते हैं। आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, टी से थ्रियोनिन, वी से वैलिन, एम से मिथियोनिन, ए से अर्जिनिन, पी से फिनाइल एलानिन, टी से ट्रिप्टोफैन, एल से लाइसिन, एच से हिस्टिडीन, क्लियर। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं कितने अमीनो एसिड हैं, कितने एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। तो वन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो यहाँ पे आपने जो है टोटल 10 एसेंशियल अमीनो एसिड को लर्न कर लिया, और आप ये ट्रिक भी सीख गए कि आप कैसे जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उसे रिमेंबर कर सकते हैं। तो ट्रिक नॉर्मल सी है, बहुत इजी है। आई लाइक द वैन मच एंड पोस्ट डेट लाइक होंडा सिटी, जस्ट सिंपल सी ट्रिक है टू सेंटेंस की। आप इजिली जो है इसे रिमेंबर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट या फर्स्ट लेटर आपको लेना है, और उसी के थ्रू जो है आप जो है एसेंशियल अमीनो एसिड को इजीली लर्न कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।